माय ट्यूशन क्लासेस की तरफ से अब आपको ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले सीबीएसई क्लास 10th के वीडियो हम डाल रहे हैं। सीबीएसई क्लास 10th में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास अपन 7, 8, 9, 10, 9 से पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। सेवेंथ और एट्थ क्लास में अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा था, जिसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, ओनली लीनियर लाइन बनती है उसमें। अब 10th क्लास में थोड़ा इंक्रीज होगा, इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, एक्स एक्स हमेशा जब भी क्वाड्रेंट की कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हमेशा पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एक्स एक्सिस में यहां एक्स ये हमेशा पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस में ये वाला पॉजिटिव होता है, तो बहुत आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट x एक्सिस या नेगेटिव है तो फर्स्ट अपन नेगेटिव लिखेंगे, देन सेकंड पॉजिटिव लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। उसके बाद सीबीएसई के एक क्वेश्चन आता है, सीबीएसई क्लास 10th में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है फॉर ए पॉइंट डिस्टेंस From x-axis। अब यहाँ देखो, जैसे ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे A पॉइंट दे दिया अपन को, A पॉइंट में इन 3.4 दे दिया। As पूछा है अपन को डिस्टेंस फ्रॉम x-axis, जब भी x-axis से डिस्टेंस पूछते हैं किसी भी पॉइंट की, तो हमेशा उसका वाइट कोऑर्डिनेट काम आता है। वाइट कोऑर्डिनेट का मतलब ये क्या होता है कि यहाँ से ये वाली दूरी कितनी है, x एक्सिस का मतलब ये होता है कि ये यहाँ से ये वाली दूरी कितनी है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब ये वाली, यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ क्या आ रहा है 4, तो y x एक्सिस से a पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी तो वो 4 यूनिट लिखेंगे, क्योंकि अपन को कोई मेजर नहीं होता है यहाँ पे सेंटीमीटर है या मीटर है। उसके बाद अगर y एक्सिस का आ जाए, बाय चांस यहां y एक्सिस का आ जाए कि y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए a पॉइंट की, तो y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये y एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब अपन यहां से लेके यहां तक कितना चले हैं, जैसे ये 3, तो यहां y एक्सिस के लिए यहां क्या लिखेंगे अपन, 3 यूनिट होती है। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए गए हैं। व्हाट इज एब्सिसा, यहां फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 15 से लेके नहीं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं, सीबीएसई का न्यू पैटर्न के आधारित। हां, न्यू पैटर्न में सबसे पहला, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस होती है, जैसे ये वाला, ये y एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जो इस साइड है, जो इस साइड है या जो इस साइड है, ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस 90 डिग्री पे, इसका मतलब उसको क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। उसके बाद ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं जो y एक्सिस, जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर, जो ये x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एब्सिसा कहते हैं। उसके बाद एक शब्द को पता होता है कि ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। उसके बाद 0, 0, हाँ, अब उसके बाद अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीबीएसई में नेक्स्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। जैसे दो पॉइंट देंगे अपन को, कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, जैसे मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे कोई P पॉइंट है L या कोई Q पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है अपन को, तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पी क्यू रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है, किसी जो दो कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे अपन को, एक को अपन लेंगे x1
और वाई वन। मैंने अभी भी पहले बोला था जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा एक्स का होता है, जो बाद वाला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा वाई का होता है। इसलिए जो पी का कोऑर्डिनेट होगा तो उसको लेंगे एक्स वन वाई वन, और जो क्यू के होंगे उसको लेंगे एक्स टू वाई टू। उसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं अपन माइनस सिक्स कॉमा सेवन एक पॉइंट है, एंड माइनस वन कॉमा माइनस फाइव एक पॉइंट है। हाँ, तो सबसे पहले हमेशा जब क्वेश्चन होता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो इसके नीचे हल्के से छोटा छोटा लिख सकते हो आप एक्स वन वाई वन, और उसके बाद में इसके नीचे लिख दो एक्स टू वाई टू। अब फॉर्मूला पुटअप करना है, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो ए बी इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए, रूट का रूट लगाया वापिस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का है, एक्स टू का है ये रहा, तो ये दोनों ब्रैकेट में लिखना है, माइनस एक्स वन का है माइनस सिक्स, तो यह माइनस सिक्स को भी ब्रैकेट में लिखना है, और यह बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे अपन होल स्क्वायर प्लस वाई टू। वाई टू कहाँ पे, ये रहा वाई टू, वाई टू की जगह माइनस फाइव, माइनस का माइनस, वाई वन की जगह है सेवन, तो सेवन का सेवन का होल स्क्वायर। अब माइनस वन माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस माइनस फाइव माइनस सेवन। अपन को पता है माइनस माइनस दोनों पॉजिटिव होते हैं, माइनस और माइनस दोनों को प्लस करते हैं, बट माइनस माइनस यहाँ पॉजिटिव होगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, बट जब दोनों को ऐड करते हैं, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा। सेवन और फाइव कितने होते हैं, ट्वेल्व होता है का होल स्क्वायर, यहाँ सिक्स में से वन जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब ऐसे साइन होते हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो बड़ा साइन होता है उसका साइन लगाते हैं। सिक्स में से वन जाएगा, कितना बचेगा, फाइव, फाइव पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ फाइव का स्क्वायर लिखेंगे अपन, फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर कितना होता है, माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस ट्वेल्व। किसी को होता है कि सर माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस ट्वेल्व माइनस में आएगा, नहीं, माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस ट्वेल्व जब भी करेंगे अपन, माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 12 कितना होता है 144, तो यहाँ कितना हो गया 144, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 169, ये किसका स्क्वायर होता है 13 का। अब पीछे कुछ सेंटीमीटर तो है नहीं, तो सेंटीमीटर लगाएंगे नहीं, तो यहाँ इसके पीछे क्या लगाओगे, यूनिट लगाओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था दो की डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यह डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था, यही अभी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज आने वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, दो पॉइंट दे दिए अपन को, दो पॉइंट दे दिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा सॉल्यूशन में आप हमेशा लाइन बना दो यहाँ पे, और जो दो पॉइंट्स दिए हुए उनको ए पॉइंट को यहाँ लिखो, ए पॉइंट को यहाँ लिखो, दोनों पॉइंट को लिखा एक्स कॉमा माइनस वन एंड यहाँ लिखा थ्री कॉमा टू, और इज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी, फाइव यूनिट, तो यहाँ लिखोगे फाइव यूनिट। क्वेश्चन में कभी कभी पीछे लिखो हुआ नहीं आता है कि ये यूनिट है या कुछ है या सेंटीमीटर है, तो अपन को फाइव यूनिट रिप्रेजेंट करना है अपने डायग्राम में। जस्ट अभी नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में जस्ट मैंने बताया था कि हमेशा इसके नीचे एक्स वन लिखना है, वाई वन लिखना है, और इसके नीचे एक्स टू वाई टू लिखना है, एस फॉर्मूला में पुट अप करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें जो भी वैल्यू है वो पुट अप करो, वो जो भी वैल्यू है वो पुट अप कर रहे हैं अपन, यहाँ फाइव है तो यहाँ फाइव लिखा, रूट का रूट एक्स टू, एक्स टू की जगह यहाँ थ्री है, थ्री माइनस एक्स वन की जगह एक्स है, तो एक्स का होल स्क्वायर,
ये इस टाइप से लिखा, उसके बाद प्लस का प्लस y, y2, y2 की जगह यहाँ क्या है 2 है माइनस, और y1 की जगह क्या है माइनस 1 है का होल स्क्वायर। उसके बाद आगे वैल्यू पुट अप करते हैं, जब ये रूट इस साइड से हटके उस साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाता है, अपन को पता है ये किस में चेंज आउट हो जाता है स्क्वायर में। उसके बाद 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस कितने हो गए 3, 3 का यहाँ कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अपन को पता है यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, देखो डायरेक्टली आप ओपन नहीं कर सकते, अपन यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक फॉर्मूला होता है जो इस फॉर्मूले में पुटअप करना है, ये a होता है ये b होता है माइनस का माइनस स्क्वायर a की जगह, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है 2ab प्लस जो भी बचा हुआ है वो वापस लिख दो 9 का 9। उसके बाद 3 या x या 3 या x, ये ब्रैकेट पहले बनाने से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, अपन कंफ्यूज नहीं होता है। यहाँ कितना हो गया 9, यहाँ कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 3 × 6x + 9। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये कितना हो जाएगा 18, 9 और 9 18 प्लस के 18, ये प्लस का 25 इस साइड आएगा किसमें चेंज होगा माइनस में, तो माइनस का 25 टोटली यहाँ कितना हो रहा है माइनस 6x प्लस, यहाँ माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस बड़ा है इसलिए माइनस 7। अब अपन ने पढ़ा है कि भाई इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 7, मल्टीप्लाई करें तो 7 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 7 बन जा 7 होता है और बीच में 6 आना चाहिए, 7 माइनस 1 कितना होता है 6 होता है, तो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ लिखोगे, अपन को पता है 7 में से 1 जाएगा जब 6 बचेगा, तो यहाँ लिखा 7 माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे बाहर एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस 7 का माइनस 7, उसके बाद स्टेप आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, जब माइनस ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होते हैं वो साइन सब चेंज हो जाते हैं, तो 7x और प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ x और यहाँ 7। अब दोनों में से कॉमन लेना है, दोनों में से जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचा x, दोनों में कॉमन x आ रहा है तो यहाँ x माइनस 7, अपन को पता है जो ब्रैकेट में आगे आता है वो ब्रैकेट में पीछे आएगा, तो वो ब्रैकेट पीछे लिख दो x माइनस 7, x अंदर चला गया माइनस 7 भी अंदर चला गया तो क्या बचा, तो सबके साथ हमेशा 1 होता है, जब पूरा अंदर चला जाता है तो हमेशा 1 बचता है, तो 1 को क्या लिखोगे आप बाहर की साइड लिखोगे, यहाँ कितना हो गया x प्लस 1, जो बाहर होते हैं उनको एक ब्रैकेट में क्लोज करना है और जो दो ब्रैकेट होते हैं उन दोनों को कॉमन लेके बाहर लिखना है, तो x माइनस 7 हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x प्लस 1 को जब 0 के आप इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे माइनस 1, और जब x माइनस 7 को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7, ओके।